हेलो, मैं आज आपको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मतलब शक की बीमारी इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये जो है स्किज़ोफ्रेनिया, इसको छिन्न मानस भी बोलते हैं। मतलब मानस जो अपना माइंड जो है ना, वो डिवाइड हो जाता है, छिन्न हो जाता है। मतलब लॉजिक जो है, रैशनल थिंकिंग जो है, वास्तविकता जो है, उससे उसका संपर्क नहीं रहता। तो उसमें आदमी बड़बड़ करना, अपने आप से बातचीत करना, नींद नहीं आना, कोई हरकतें करना। तो इसमें ये जो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी, इसमें काफी सारी बीमारियां हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के अंदर। उसमें का एक जो है, जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया करके, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मतलब शक की बीमारी, उसके बारे में मैं आपको भी जानकारी देने वाला हूं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को शक आता है और शक उसको हर बात पे, हर लोगों पे आते रहता है। शुरू होता है वो एकदम छोटी सी बात से, वो बढ़ते 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 वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो शक कौन सा है? उसको शक आता है कि भाई मेरे बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, या पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, पकड़ लेगी। तो मतलब घबरा के छिप जाता है घर में। उसको लगता है कि नहीं, अपने बारे में लोग बातें कर रहे हैं, अपने बारे में टीवी में, अपने बारे में रेडियो पे, अपने बारे में अखबार में कुछ अलग अलग बातें छपी जा रही है। कहीं भी दिखा तो उसको शक आता है लोगों के ऊपर, ये लोग मेरे बारे में बात कर रहा है या मुझे देख के वो हंस रहा। मतलब ऐसा लगता है उसको कि जो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, वो इसको देख के हंस रहे या उसको देख के बातें कर रहे। उसको घर के व्यक्तियों के ऊपर शक आता है, अपने पत्नी के ऊपर शक आता है कि इसके बाहर कोई संबंध है, या फिर इसके ये मुझे कुछ मिला के देती है क्योंकि इसके संबंध है तो मुझे मारना चाहती है। ये इतने मतलब इसमें मतलब गहरा इसका असर हो जाता है कि वो अपने पत्नी को बाहर जाने देता नहीं, उसका मोबाइल छीन लेता है कि उसके बाहर संपर्क है, और बाहर कहीं ना कहीं ये संपर्क करती है, उसके कोई दोस्त है या कोई आदमी है कि जिसके साथ में ये संपर्क करती है, दोस्त है। तो बाहर जाने देता नहीं, उसको घर में बिठा के रख देगा। कुछ व्यक्ति भी, मेरे तरफ एक पेशेंट आया था, वो अपने पत्नी को रात को संकली से बांध के रखता था। तो ये रात में कहीं भी जाती है और संबंध करके आ जाती है। कुछ कुछ लोग तो अंदर से ताला लगा देते हैं और चाबी अपने पास में रखते हैं ताकि पत्नी बाहर ना जाए कहीं। तो इस तरह के मतलब अलग अलग शक उसको दिमाग में आते हैं। कुछ लोगों को ऐसा शक लगता है कि मेरे अनाज में, मेरे खाने में कोई जहर मिला रहे और मुझे मार डालेंगे, घर को घर में खाना भी नहीं खाता। मतलब घर के लोगों के ऊपर भी शक आता है उसको, तो घर में खाना नहीं खाएगा, अपने हाथ से बना के खाएगा या बाहर जाके खाना खाएगा। अब इसके साथ साथ लोगों को आवाज भी कान में आती है, जैसा ये शक विचारों का है उसको बोलते हैं डेल्यूजन, पैरानॉइड डेल्यूजन बोलते हैं। वैसे कानों में जो आवाज आते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, मतलब भ्रम, कान का भ्रम हो जाता है, जिसमें उसको आवाज आते हैं कि देखो देखो लोग मारने आ रहे, देखो मेरे को आवाज आ रही है कि लोग मेरे को मारने आ रहे, लोग मेरे को पकड़ने आ रहे। फिर उसको कान में आवाज आती है कि भाई उसके ऊपर लोग रनिंग कॉमेंट्री करते हैं, मतलब उसको ऐसे कुछ तो भी आवाज सुनाई आती है कि वो व्यक्ति ये जो जो कर रहा है ना, उसकी रनिंग कमेंट्री कर रहा है, और वो रनिंग कमेंट्री करके उसको बता रहा है कि क्या कर रहा है, इसको बता रहा है, लोगों को बता। फिर कुछ लोगों को ऐसी आवाज आती है कि वो आवाज जो है वो उसको आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि ये कर, वो मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा, उसको आदेश दे रहा है। उसको पूछा कि वो व्यक्ति है कौन, तो उसको मालूम नहीं कि कौन व्यक्ति है, बोलते मालूम नहीं कौन है। तो कभी बोलता कि नहीं, मुझे जाने पहचाने आवाज लगते, कभी बोलते मेरे को मालूम नहीं किसकी आवाज है, और कोई तो भी बोल रहा है, कोई तो भी बातें कर रहा है। तो उसका आजू बाजू में कोई भी नहीं रहा तभी उसको आवाज सुनाई आती रहती और उसके वो खिलाफ की आवाज रहती। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे विचार जो है वो लोगों को मालूम हो जाते हैं, आप या इसको लगता है कि लोगों के विचार इसको मालूम हो जाते। अक्सर ये रहता है कि इसके विचार लोगों को मालूम होते हैं और लोग इसके विचार खींच लेते बाहर, और खींच लेके उनको मालूम हो जाते विचार, ऐसा उसको लगता है। मतलब ये पूरी विचारों की बीमारी है, उसमें कोई लॉजिक नहीं,
उसको कुछ ऐसा लगता नहीं कि मतलब वो उसको पूछा कि सच्ची है क्या ये, बोले हाँ मेरे को पक्का पता है सच्ची है और ऐसे ही होते रहते हैं। तो उसको लगता है कि नहीं पूरा पक्का ऐसे ही होने वाला है, ये सच्ची है ऐसा बोलता है वो, और उसका उसके ऊपर विश्वास उसको रहता है। अब इसके साथ साथ ये जब बीमारी बढ़ती है तो फिर उसकी नींद चली जाती, फिर अपने आप बड़बड़ करते रहता, फिर उसको लगता है कि नहीं वो जहां काम करता है कचेरी में वहां के लोग उसके खिलाफ है, वो प्लान कर रहे हैं, वो इसको मार डालेंगे, वो कंप्लेन करने वाले हैं, इसकी तनख्वाह रोक देने वाले हैं, या उसकी मतलब प्रमोशन जो है बढ़ती बढ़ोतरी रोक देने वाले हैं, तो वो बाहर जाना ना बंद कर देता है, घर में छुपके छुपके रहता है, किसी मिलेगा नहीं, उसको ऐसा डर लगे रहता है कि लोग अपने खिलाफ है और कुछ ना कुछ मुझे हो जाए, वैसा डर के मारे पीछे देखेगा और बोलेगा कोई अपना पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, और मतलब इतना डरा हुआ इंसान वो रहता है। तो खाना टाइम पे नहीं खाना, नींद नहीं लेना, समय समय पे नहाना नहीं, और एकदम ऐसा उसका उसका मतलब देखना भी जाता है तो उसका बाल बड़े है, दाढ़ी बड़ी हुई है, मतलब इस तरह का ऐसा लगता है कि भाई उसको कुछ तो भी हुआ है। फिर ऐसा भूलने के लिए कभी वो व्यक्ति शराब पीना भी चालू कर देता है और शराब का आदि भी हो जाता है, क्योंकि शराब में कम से कम वो भूल जाता सब ये चीजें, तो शराब पीना चालू करेगा। कुछ लोग फिर जब उसको लगता है कि लोग अपने बारे में बातें कर रहे हैं या लोग अपने बारे में प्लान कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, फिर वो उनको झगड़ने जाता है, मारपीट कर देता है, मारपीट कर देगा, झगड़ेगा, और यदि उसको लगता है कि अपना मतलब बाजू वाला या पड़ोसी अपने घर में आके अपने औरत के साथ में संबंध रखता है तो उनसे जाके झगड़ेगा, मतलब ऐसे अलग अलग हरकतें वो करते रहता है। ये जो बीमारी है इसका इलाज है, जितना जल्दी इलाज करोगे उतना जल्दी वो अच्छा होने की संभावना है। और होता क्या है कि घर के लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ा शकीला है, ये शक निकल जाएगा, उसका शक दूर करने की कोशिश करते, उसको समझाते हैं और वो समझता नहीं, वो शक धीरे 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 बढ़ते 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 इतना हो जाता है कि वो डॉक्टर की तरफ भी आता नहीं। इसका इलाज जो है वो एक तो उसकी दवाइयां करना, इसमें काफी अच्छी अच्छी दवाइयां भी आई हुई है, मनोचिकित्सक के पास में जाके इसका इलाज करना, मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास में इसका इलाज करना, दवाइयां लेना, और दवाई से यदि वो दवाई लेता नहीं है उसको लगता कि नहीं दवाई भी कुछ तो भी मिला है तो दवाई मैं लूंगा नहीं, तो दवाई लेगा नहीं तो फिर उसको कभी कभी इंजेक्शन देने पड़ेंगे, वो भी लेता नहीं है तो उसको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा इंजेक्शन देके, या फिर अल्टीमेटली जब कुछ होता है तो शॉक ट्रीटमेंट देके, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ECT देके इसका इलाज हम करते हैं। अब जब एक्यूट स्टेज में मतलब बहुत गंभीर अवस्था में जब ये उसका इलाज हम करते हैं तो दवाइयों से या बहुत ज्यादा रहा तो शॉक ट्रीटमेंट से इसका इलाज होता है, और एक बार वो शांत होने के बाद में जरा समझ उसको आती है फिर जरा विचार भी उसके शांत हो जाते हैं तो उसमें उसके साथ में हम बातचीत कर सकते, रैशनल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग से है ना, उसके साथ में रैशनल इमोटिव थेरेपी जिसको बोलते हैं उसके साथ में हम बातचीत कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो जो सोच रहा है वो कैसा इलॉजिकल है, कैसा अवास्तविक है, ये उसको समझा के साइकोथेरेपी देके भी उसका इलाज होता है। इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल भर तक दवाई लेना जरूरी है। ये लोग है ना पहले से ही जैसे उनका स्वभाव जो है ना ये पहले से उसका शकीला स्वभाव है, तो पहले से उसको लोगों ने ठप्पा मार के रखा है शकीला है, तो शकीला स्वभाव के लोगों को ये बीमारी होना ज्यादा संभव है, तो इसलिए होता है कि शकीला स्वभाव ये बीमारी ये लोगों को समझ में आती नहीं, तो थोड़ा भी उसके रेगुलर मतलब जो डेली रूटीन है रोजमर्रा की जिंदगी में उसका थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो रही है तो उसको मनोचिकित्सक के पास में जाके उसका इलाज करना जरूरी है, और ये पूरा अच्छी जिंदगी अपनी बिता सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि इस तरह के लोग जो इस तरह की बीमारी जो है जिनको लोग जो इनको जो उनको बीमारी है वो अच्छी हो सकती है, उसको अच्छा करना चाहिए। और आपने जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं YouTube के ऊपर या और कहीं आप मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को ये चैनल को लाइक करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएंगे ये मैसेज और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इलाज करेंगे। आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक को लाइक करो, मतलब फेसबुक फ्रेंड बनो, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, हमारी वेबसाइट है वेबसाइट पे भी आपको अलग अलग
मतलब काफी सारी जानकारी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे और वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है कि भाई हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, हमारे देश का हर व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए और उसको मानसिक बीमारी से वो मुक्त होना चाहिए, जो हमारा मिशन है, उसमें आपका हाथ लग जाएगा और आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी।